वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज अनुराग अरोड़ा। और पिछले वीडियो में मैंने कहा था हम ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन लाइफ प्रोसेसेस की सीरीज चला रहे हैं, तो उसी में फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है हमारी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ये मैंने ड्रॉ किया है, देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बेसिकली टू पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, देखिए, ये जो पूरी ट्यूब है माउथ से लेके एनस तक, माउथ से लेके एनस तक, ये जो पूरी लॉन्ग ट्यूब है, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। सो दिस लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस इज एलिमेंट्री कैनाल। और सेकंड, इस सिस्टम में कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स है साथ में, जैसे आपको पैनक्रियाज दिख रहा है, लीवर, माउथ में सेलिवरी ग्लैंड्स। अब ये ग्लैंड्स क्या होती हैं, कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स और या कुछ भी टिश्यू ऑर्गन ऐसा जो कोई चीज़ सिक्रीट करे, कोई एंजाइम और किसी भी तरह का सिक्रीशन डाले, सिक्रीट करे, उसे हम कहते हैं ग्लैंड्स। तो बहुत सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कैसे हमारे अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। द फर्स्ट स्टेप इन ह्यूमन न्यूट्रिशन इज इंजेशन ऑफ फूड, इंजेशन ऑफ फूड। देखिए, कोई भी चीज़ है, राइस, पोटैटो, हमने सॉलिड फूड सिर्फ अपने माउथ में अंदर लिया, ये जो भी प्रोसेस है, द टेकिंग ऑफ द फूड इन माउथ, हमने सिस्टम के अंदर फूड डाला, दिस प्रोसेस इज इंजेशन। सिंपली फूड को स्वेलो करना, दिस इज इंजेशन ऑफ फूड, ठीक है। अब इंजेशन ऑफ फूड के बाद देखिए क्या आता है, हमारा जो फूड पार्टिकल्स है वो बक्कल कैविटी में आ गए। अब बक्कल कैविटी में दो चीज़ें होती हैं, बक्कल कैविटी में हमारे माउथ के अंदर देखिए टीथ हैं, टीथ के थ्रू फूड का मैकेनिकल डाइजेशन होता है, मैकेनिकल डाइजेशन। टीथ के अंदर, सॉरी, माउथ के अंदर टीथ की हेल्प से हम च्यू करते हैं फूड को, दिस इज मैकेनिकल डाइजेशन। यहाँ भी कोई एंजाइम नहीं आ रहा है, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हो रही है, सिर्फ फूड को छोटे पार्टिकल में तोड़ रहे हैं, दिस इज मैकेनिकल डाइजेशन। लेकिन जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बक्कल कैविटी में हो रही है वो क्या है, हाँ जी, एक चीज़ सॉरी मैं भूल गया बताना, कि देखिए फूड पार्टिकल, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल हम बाहर से ले रहे हैं, स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट्स, उसे अल्टीमेटली हमने स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना है। तो ये काम पूरे सिस्टम में करता कौन है, एंजाइम्स, एंजाइम्स, नोट कर लीजिए, एंजाइम्स। व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। जिन बच्चों को नहीं पता है अगर, तो मैं बता देता हूँ, कैटालिस्ट क्या होते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड फास्ट कर दे वो होते हैं कैटालिस्ट। और एंजाइम्स क्या है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या बायोलॉजिकल एक सिस्टम में मेटाबॉलिक रिएक्शंस की स्पीड को फास्ट कर दे, उन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स। तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं हमारे सिस्टम में, तो उसी में से एक एंजाइम है बक्कल कैविटी के अंदर जो हमें स्टडी करना है। हमारे बक्कल कैविटी में 3 pairs ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, कितने, 3 pairs ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, 3 pairs ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। देखिए, एक पेयर तो कुछ यहाँ पे होता है, फिर कुछ 2 pairs यहाँ होते हैं, जो के नीचे, टंग के नीचे, तो ओवरऑल देयर आर 3 pairs ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स रिलीज करते हैं सलाइवा, इनका जो सिक्रीशन है उन्हें कहते हैं सलाइवा। जब भी बहुत टेस्टी चीज़ कोई दिखती है मुँह में, जो पानी आना कहते हैं ना, लार टपकना, मुँह में पानी आना, वो चीज़ सलाइवा की वजह से होता है, सलाइवा होती है। अब सलाइवा जो है इसके अंदर एंजाइम है सैलिवरी एमाइलेज, एंजाइम कौन सा है इसके अंदर, सैलिवरी एमाइलेज इज अ एंजाइम, एंजाइम का नेम है सैलिवरी एमाइलेज। ये सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है, देखिए, जो हमने खाना खाया जैसे राइस है, पोटैटो है, उसके अंदर स्टार्च कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, स्टार्च कंपोनेंट, तो ये सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च पर एक्ट करेगा और स्टार्च को तोड़ देगा सिंपल शुगर में। स्टार्च इज़ ए कॉम्प्लेक्स शुगर, स्टार्च क्या है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है ग्लूकोज से बना हुआ, ये स्टार्च को तोड़ देगा सिंपल शुगर में, विच इज़ एक्चुअली माल्टोज, ग्लूकोज का बड़ा भाई माल्टोज। माल्टोज दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्ब था हमारा स्टार्च, स्टार्च को तोड़ दिया गया माल्टोज में एक सिंपल शुगर में। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो पूछ भी लेते हैं कई बार, विच इज़ द फर्स्ट फूड कंपोनेंट टू बी डाइजेस्टेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा फूड कंपोनेंट है जिसकी डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होती है, सो दैट इज स्टार्च।
फैट प्रोटीन किसी की डाइजेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई, स्टार्च की डाइजेशन सबसे पहले होती है, बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है। हो गया, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर। अब क्या होता है, ये जो सारा फूड है सेमी डाइजेस्टेड फूड है, जो थोड़ा सा फूड डाइजेस्ट हुआ अभी च्यू होने के बाद, ये जाता है हमारा इस ट्यूब में, ईसोफेगस में। किस ट्यूब में? ईसोफेगस में। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होना, ईसोफेगस एक सिर्फ कंडक्टिंग ट्यूब है, ईसोफेगस सिर्फ कंडक्टिंग ट्यूब है जो फूड को अल्टीमेटली स्टमक तक कंडक्ट करवा देगी। अब यहाँ पे एक जिक्र आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज का, विच इज पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस, अब पेरिस्टेल्सिस क्या है? पेरिस्टेल्सिस या पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, ये क्या होते हैं? Alternate contraction and expansion, alternate contraction and expansion, alternate contraction और expansion के movements हैं जो food को conduct करवाते हैं। समझते हैं अभी peristalsis क्या होता है? देखिए, जो esophagus में muscles है, ठीक है, यहाँ पे food particle है मान लीजिए अभी, तो यहाँ के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो आगे वाला मसल है वो थोड़ा रिलैक्स करेगा और फूड यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आगे वाले मसल रिलैक्स करेंगे और फूड आगे मूव कर जाएगा। तो ये जो पूरी एक वेव है अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की, इसे कहते हैं पेरिस्टेल्सिस। जिकर ज़्यादा इसका आपकी टेक्स्ट बुक में ईसोफेगस में मिलेगा, बट ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इस तरह के मूवमेंट्स चलते रहते हैं, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट जो कि फूड को कंडक्ट करते हैं। क्लियर है? ईसोफेगस में पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट्स हुए, फूड हमारा कहाँ कन्वे हो गया? स्टमक में। फूड कहाँ कन्वर्ट कन्वे हो गया? स्टमक में। चलिए, फूड अब हमारा आ चुका है स्टमक के अंदर। अब देखिए स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर यहाँ जो इसकी इनर लाइनिंग है, ये स्टमक है, इसकी जो इनर वॉल है उसके अंदर जो ग्लैंड्स हैं दे आर नोन एज, स्टमक की मतलब इनर लाइनिंग में जो ग्लैंड्स हैं उन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नोट कर लीजिए पूरा, स्टमक में क्या डाइजेशन हो रहा है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के डिफरेंट सेल्स होते हैं, अलग अलग तरह के सेल्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जो ये सेल्स हैं, ये क्या क्या चीज़ें रिलीज करते हैं? थ्री थिंग्स दे रिलीज। वन इज़ HCl, वन इज़ म्यूकस, पेप्सिन, HCl एंड द म्यूकस। तो पेप्सिन देखिए क्या है, पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अभी तक सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन हुआ था, स्टमक में देखिए प्रोटीन का ही डाइजेशन होना है सिर्फ, और उसी के लिए यहाँ पे एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो पेप्सिन का काम आपको क्लियर हो गया। दूसरा जो है HCl, HCl का काम क्या है? देखिए pH को लो करवाना, एसिडिक एनवायरनमेंट देना, जो स्टमक के अंदर एनवायरनमेंट होना चाहिए पेप्सिन को काम करने के लिए, एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए पेप्सिन को काम करने के लिए, एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करवाता है? HCl। HCl एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है एंजाइम के एक्शन के लिए, ठीक है। और म्यूकस का फंक्शन क्या है? देखिए यहाँ पर अगर HCl जब रिलीज होगा तो स्टमक की अपनी वॉल जो इतने सेंसिटिव सेल से बनी हुई है वो डैमेज ना हो जाए, तो वो म्यूकस की कोटिंग हमारी स्टमक को बचाती है HCl के डैमेज से। समझ रहे हैं? स्टमक की अपनी लाइनिंग है, बिल्कुल डेलिकेट है, वो HCl की वजह से डैमेज ना हो जाए, तो वो कैसे प्रोटेक्टेड होती है? म्यूकस की कोटिंग से। तो ये चीज़ें थी, थ्री थिंग्स गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रिलीज करती है, पेप्सिन, HCl एंड द म्यूकस। नोट कर लीजिए, पेप्सिन, HCl एंड द म्यूकस। तो हो गया, देखिए स्टार्च का डाइजेशन, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट फूड का जो डाइजेशन था बक्कल कैविटी में हुआ, वहाँ किस चीज़ का डाइजेशन हुआ? हमारा स्टार्च का। तो स्टार्च पहला कंपोनेंट था, फिर ईसोफेगस से पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के थ्रू स्टमक में फूड आया, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थी जिन्होंने अपना सिक्रीशन रिलीज करा, उसमें तीन चीज़ें थी, पेप्सिन, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम था, HCl एंड द म्यूकस। इन तीनों का फंक्शन क्लियर है। अब देखिए ऑटोमेटिकली क्या होगा, फूड स्टमक से आगे कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस करा है, प्रिपेयर कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की डाइजेशन प्रोसेस डिस्कस करेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, हम पूरी सीरीज करेंगे 10th की। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे की डाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।